हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हैव ए गाइड। आज हम लोग इस सेशन में स्टेबल टू टू मिक्सिंग विद सीमेंट इमल्शन का एज पर आईएस 3887 2018 एनएक्सएल जी के हिसाब से हम लोग निकालने वाले थे। अब हम लोग इसमें क्या है कि कोएगुलेशन वैल्यू निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला है W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W3 इंटू 100, जिसमें W1 क्या है पैन और सीड का वेट है और W2 क्या है मास इन ग्राम ऑफ सीड एंड पैन और मटेरियल रिटेन ऑन देम और W3 क्या है 100 ml डाइल्यूटेड इमल्शन का हम लोग रेजिड्यू निकालेंगे एच पर एनेक्सर जे के हिसाब से। तो यानी इसमें दो चीज इंक्लूड हो गए, तो एनेक्सर जे में तो 50 ग्राम दिया हुआ है लेकिन इसमें हम लोग 100 ml निकालेंगे। तो चलिए अभी आगे हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए आपको एनेक्सर जे दिया हुआ है, इसमें हम लोग को यही ये आगे हम लोग टेस्ट करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए प्रोसीजर में इसमें 50 ग्राम दिया हुआ है, हम लोग सेम प्रोसीजर अपनाएंगे लेकिन हम लोग इसमें 50 ग्राम के बजाय 100 ml ले लेंगे। 100 ml को लेकर उसमें हम लोग टेस्ट करेंगे, बीकर में हम लोग रख लेंगे और 163 प्लस माइनस 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे के लिए रखेंगे, फिर उसको बाहर निकाल लेंगे, फिर स्टर करेंगे, फिर 1 घंटे के लिए हम लोग फिर से उसमें रख देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ग्लास कार्ड है, ये हमारा इमल्शन सैंपल है, इसमें हमको पानी मिला के इसको 50% बनाना पड़ेगा। पहले हम लोग इसका वेट ले लेते हैं बीकर के साथ। ये हमारा आ गया है 114.34, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो क्या हो गया, ये बीकर और राट का वेट है, हमने नोट कर लिया। अभी हमको क्या करना है, एज पर एनेक्सर जे के हिसाब से हमको उसमें 50 ग्राम सैंपल दिया है लेकिन हमको यहाँ पर 100 ml सैंपल दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पानी डालकर उसको इमल्शन को जो है हम लोग उसमें इमल्शन में जनरली 60% बिटमन रहता है, तो हम लोग उसमें वाटर कंटेंट लगभग 50% कर लेंगे। अब इसको हम लोग हिला लेंगे, थोड़ा डायल्यूट करना जरूरी है, इसको हिला लेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। अभी हमको क्या करना है, 100 ml इमल्शन हम लोग ले लेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, 100 ml जो है इमल्शन ले लेंगे और जो ग्लास का जो रॉड है उसमें उसको डालकर भी इसको ओवन में हम लोग रखते हैं। अब टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 163 डिग्री प्लस माइनस 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 घंटे के लिए हम लोग रखेंगे इसको। अभी 2 घंटा होने वाला है, 2 घंटे के बाद हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे। हो गया 2 घंटा, इसको फिर से स्टिरर करेंगे, स्टिरर करने के बाद जो है अभी इसको हम लोग 1 घंटे के लिए दोबारा रख लेंगे। मैं शॉर्ट में वीडियो दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर पूरा वीडियो दिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 1 घंटा हो गया है, अब हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे। और
इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद जो है इसका वेट ले लेंगे, वेट आ गया है 177.89। अब रेजिड्यू हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो रेजिड्यू क्या है 2 × A - B, तो A क्या है 177.89 और B क्या है 114.3, कैलकुलेट करेंगे तो आपको 127.50 आ जाएगा। ये हम लोग को लास्ट में काम आ जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं H पर एनेक्सर्जी, ये सीव है 1.4 mm की। सीव और पैन का हम लोग साथ साथ वेट ले लेते हैं, तो वेट आया है आपका 193.88 ग्राम, हमने इसको नोट कर लिया है। आप बहुत ध्यान से हमारा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ये 150 माइक्रोन की आईएससी है, ये अभी हम लोग क्या करेंगे कि सीमेंट को इससे सीव कर लेंगे और सीव करने के बाद जो बचेगा उसमें से 50 ग्राम हम लोग सीमेंट लेंगे मेटल लिस्ट में। अब क्या करना है कि ये 50 ग्राम सैंपल हमको ये डिश में डाल देना है। अब इसमें हम लोग 100 ml जो है इमल्शन लेके उसमें डालेंगे। ये 100 ml हमने ग्लास के लिया है, आप चाहे तो प्लास्टिक वाले भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 60 रेवोल्यूशन पर मिनट लगाएंगे, एक मिनट के लिए लगा लीजिए मिल जाए, आप चाहे तो 2 मिनट भी लगा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इसमें 150 ml जो है डिस्टिल वाटर लेंगे जो बॉयल हुआ रहेगा। क्योंकि वाटर ले रहे हैं तो इसलिए ml और ग्राम में कोई अंतर नहीं है। अभी लगभग 3 मिनट इसको जो है स्टर करना है रूम टेम्परेचर पे, आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड को। अब अभी क्या करना है, ये सारे को 1.4 mm की सीव से इसको सीव करना है। ये देखिए हमने 1.4 mm की सीव लिए, सीव कर रहे हैं पानी से, और जब तक आप पानी से इसको रिंस करते रहे जब तक पानी सफेद कलर का ना हो जाए। ये देखिए इसमें ये थोड़ा बच गया है। अब नीचे इसके नीचे हम क्या करेंगे, पैन में लगा के रख देंगे इसको। ये पैन में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जब इसको हम लोग गर्म करेंगे ना तो थोड़ा बिटमन जो है उसमें से पिघल के उसके नीचे जा सकता है, इसलिए हम लोग पैन में रखेंगे 110 डिग्री पर। ये क्वेश्चन हमसे
किसी ने पूछा था कि पैन में क्यों रखते हैं, तो उसका जवाब यही है क्योंकि गर्म होने पे कुछ बिटमन पैन के अंदर चला जाएगा, इसलिए रखते हैं। 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग रख देते हैं। कितनी देर रखेंगे, जितनी देर में मान लीजिए वो ड्राई हो जाए, आप आधा घंटा एक घंटा रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ड्राई होना चाहिए जैसे कि पानी उड़ जाए। मेरे हिसाब से तो एक घंटा तो जरूर रखिए। अब इसका वेट ले लीजिए जो W2 होगा, गर्म रहता है, ग्लव्स जरूर आप पहने। अभी हमने वेट ले लिया, आया है 195.1। अब इसमें W3 भी है, वो W3 जो हम लोगों ने पहले निकाला था वो अब उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये हमने निकाला था 127.10। ये प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत प्रिसाइज है, बहुत ध्यान से करिएगा और बहुत अच्छी तरीके से इमल्शन को पास कर लीजिएगा, नहीं तो रिजल्ट उल्टे आ जाएंगे। अभी कोलिगेशन वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W3। तो W2 आपका है 195.10 माइनस 193.88 डिवाइडेड बाय आपका W3, तो W3 127.10 कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 0.96। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।